हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कौन सी कंजंक्शन हम डिस्कस मतलब कैसे फिल करेंगे कंजंक्शन, तो उसके ऊपर हम एक्सरसाइज एक जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि कंजंक्शन आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी और अच्छे से पढ़ा होगा, कि अब आपको पता होगा कि कंजंक्शन क्या होती है और किस तरह से फिल की जानी है। तो फर्स्ट, कंप्लीट इन सेंटेंस यूजिंग द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है फ्रॉम पेरेंट ही सिस। तो ये आपका मैं फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस करूंगी। आई प्लान टू टेक माई वकेशन डैश इन जून एंड डैश इन जुलाई। वो कहता है आई प्लान टू डिस्कस माई टू टेक माई वकेशन। वो कहता है मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपनी वकेशन लेने के लिए आइदर इन जून और इन जुलाई, जहां तो जून में जहां तो जुलाई में। यहाँ पे आएगा आइदर और आइदर ही आएगा। पहले आएगा आइदर इन जून और इन जुलाई, ठीक है। तो सेकंड इज डैश आई एम फीलिंग हैप्पी डैश दैट। वो कह रहा है बीस में आपका आएगा वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी और सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे मैं खुश हूं चाहे मैं दुखी हूं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं हमेशा कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड में रहूं। तो दिस इज द गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है कि ये सीखे कि चाहे हम खुश हों या दुखी हों, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखनी चाहिए अंदर। तो द थर्ड इज योर डैश हैड आई टेकन माई शूज ऑफ डैश आई फाउंड आउट वी हैड टू लीव अगेन। वो कहता यहाँ पे आएगा नो सूनर हैड आई टेकन माई शूज ऑफ देन आई फाउंड आउट वी हैड टू लीव अगेन। यहाँ पे आएगा नो सूनर और देन, ठीक है। फोर्थ इज डैश ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस डैट इट कैन बी हेल्दी। यहाँ पे आएगा फोर्थ में आपका आएगा नॉट ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस। सिर्फ डार्क चॉकलेट ही डिलीशियस नहीं है, सिर्फ डार्क चॉकलेट जो है वो डिलीशियस ही नहीं है, बट इट कैन बी हेल्दी। वो हेल्दी भी है, ठीक है। अब फिफ्थ आपका आएगा डैश आई हैव सैलेड फॉर डिनर। वो कह रहा है कि डैश आई हैव सैलेड फॉर डिनर डैश आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, ठीक है। वो कह रहा है फिफ्थ में आपका आएगा इफ आई हैव सैलेड फॉर डिनर, मेरे लिए सैलेड है डिनर में तो डेजर्ट भी, देन यहाँ पे आएगा देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर, तो वो भी मेरे लिए हो सकती है आइसक्रीम भी। अगर मेरे लिए सैलेड है डिनर में तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आइसक्रीम डेजर्ट जो है मीठे में, मतलब। सिक्स इज योर डैश फ्लावर्स डैश ट्रीज ग्रो। देखिए ये तो आपको आप खुद भी फील ये तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कई बार पढ़ के। बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो, वो कहता है दोनों फ्लावर और ट्री ग्रो करते हैं ड्यूरिंग वार्म वेदर। यहाँ पे आपका बोथ और एंड आएगा, वो यहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएगा। बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। सेवंथ इज यूर डैश डू वी हैव समर वेकेशन डैश वी एंजॉय विंटर ब्रेक। तो अब आपका इधर आएगा नॉट ओनली डू वी एंजॉय समर वेकेशन, सिर्फ हम समर वेकेशन ही एंजॉय नहीं करते हैं, वट ऑल्सो वी एंजॉय विंटर ब्रेक। हम विंटर ब्रेक भी जो है उसको भी एंजॉय करते हैं। कैलकुलस इज डैश इजी डैश डिफिकल्ट, इज नॉट इजी बट डिफिकल्ट। वो इजी नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एट्थ का आपका नॉट और बट आएगा। इट इज डैश गोइंग टू रेन। वो कह रहा है इट इज आइदर गोइंग टू रेन और स्नो टू नाइट। आज जहां तो बारिश होगी जहां तो आज रात को बर्फ पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका आएगा एस और यहाँ पे आपका आएगा आइदर और। नेक्स्ट सेवरी फ्लेवर्स आर डैश स्वीट डैश सोर। वो कहता सेवरी फ्लेवर्स नाइदर स्वीट, ना तो वो स्वीट है मीठे हैं और ना ही वो खट्टे हैं। तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ कंजंक्शन जो मैंने आपको बताई है। तो ध्यान से इनको सेंटेंसेस को पढ़िए। कई बार अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या फील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस हमारा 11th जो सेंटेंस है आई विजिट द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना। तो इसमें आपका आएगा वेन एवर, जब भी मैं वहां जाता हूँ तो मैं ग्रैंड कैनियन उसका विजिट करता हूँ। तो दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। वो कहता है ये वो वाली प्लेस प्लेस है जहां पे हमने पिछली
जब जहां पे हमने विजिटेड किया था, जहां पे हम रुके थे, तो वियर वी स्टे, ठीक है, यहाँ पे आपका वियर आएगा। डैश यू बी फर्स्ट प्राइज, यू विल रिसीव अ प्राइज। वो कहता है अगर तुम फर्स्ट प्लेस जीतोगे, इफ यू विन फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे आपका आएगा इफ, तो यू वुड नॉट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी। तुम कभी टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे अगर तुम उस अच्छे से स्टडी नहीं करोगे। आई कुडंट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली। तो वो कहता मैं कभी भी सीट नहीं ले सकता था फर्स्ट वाली, एज आई केम अर्ली, कि मैं पहले आया। ठीक है, पे अटेंशन टू योर वर्क दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। वो कहता पे अटेंशन को पे करो अपनी, मतलब काम की तरफ ध्यान दो, वेदर यू विल नॉट मिस्टेक, ठीक है, ताकि तुम मिस्टेक्स सॉरी, पे अटेंशन टू वर्क, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल मेक मिस्टेक्स, ताकि तुम मिस्टेक्स ना कर सको। तो द म्यूजिशियन डिलीवर्ड ए राउसिंग परफॉर्मेंस एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि बिकॉज मतलब एज आता है यहाँ पे, बिकॉज का मेन जगह स्पेस एज ए बिकॉज की तरह यूज होता है, रीजन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, उन्होंने ज्यादा रिहर्सल की। सी इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट अस। वो ऑनेस्ट थी इसलिए हर कोई उसे ट्रस्ट करता है। राइट दिस डाउन लेस्ट यू फॉरगेट, इसे लिख लो अदरवाइज तुम भूल जाओगे, लेस्ट यू फॉरगेट। शरन हेट्स टू लिसन टू रैप म्यूजिक डैश विल शी टॉलरेट हैवी मेटल नॉर। शरन हेट करती है रैप म्यूजिक सुनना, और नॉर शी विल टॉलरेट हैवी मेटल, यहाँ पे आएगा नॉर। ठीक है, अब आपका 22 वाला है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स येट आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपका आएगा येट। आई हैव टू बी ऑन टाइम, आई हैव टू बी ऑन टाइम डैश माई बॉस विल बी अनॉयड इफ आई एम लेट। वो कहता मैं टाइम पे, आई एम टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पे होंगी, टाइम पे मतलब आती हूँ। आगे क्या आएगा, सो माई बॉस विल बी अनॉयड इफ आई एम लेट, इसलिए मेरा बॉस जो है वो मतलब गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैं टाइम पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बॉस गुस्सा हो जाता है अगर मैं लेट आऊँ। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा आपका 20, सॉरी ये आपका है 22 वाला। तो 22 का आपका क्या है, आई हैव टू बी ऑन टाइम फॉर माई बॉस विल बी अनॉयड, यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, आई हैव टू डू टू गो टू वर्क एट 6 फॉर आई एम वेकिंग अप एट 4। वो कहता मुझे वर्क पे 6 बजे जाना होता है, जिसके लिए मैं 4 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 4, यहाँ पे आपका सो, सॉरी यहाँ पे 24 में आपका आएगा सो, सो इसलिए मैं क्या होता हूँ, लेकिन जल्दी उठता हूँ। ठीक है, तो आपका ये जो है ना 22 वाला, इसमें आपका क्या आएगा, सॉरी आई हैव टू बी ऑन टाइम, यहाँ पे आपका 22 वाला था, यहाँ पे आपका है 4। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमने 4 ही फिल किया था, फॉर माई वॉइस विल बी अनॉयड, और 23 वाला यहाँ पे जो है उसका आपका आएगा सो। द नेक्स्ट आवर ट्रिप टू द म्यूजियम वॉज इंटरेस्टिंग फॉर देयर वर सेवरल, वो वहां पे क्या थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट थे ऑन डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पे फॉर आएगा। बेनिका वोर हर रेन कोट डैश देयर फोर हर फीट स्टेड ड्राइड, इसलिए उसके फीट जो थे वो ड्राई थे ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब तूफान आने पर उसके जो पैर थे वो क्या थे, ड्राई थे, इसलिए क्योंकि उसने रेनकोट पहना था। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देयर फोर। तो ये हमारे 25 सेंटेंसेस थे कंजंक्शन के ऊपर। तो उसके बाद आपने ये वाली जो एक्सरसाइज थी कंजंक्शन के ऊपर हमारी हो गई है। तो नेक्स्ट ये जो है ये आपका होमवर्क के लिए है, तो आप इसको घर में ट्राई कीजिए कि किस तरह से कंजंक्शन फिल करेंगे, और इसको अच्छे से कीजिएगा, आंसर मार्क करके रखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम क्या कौन कौन से यहाँ पे कंजंक्शन फिल होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।